नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विवेक। साल 2020 में भारत और चीन के संबंधों में आई खटास पर आज विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपना बयान दिया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन के साथ सीमा गतिरोध पर कहा है कि पूर्वी लद्दाख में पिछले वर्ष हुई घटनाओं ने दोनों देशों के संबंधों को गंभीर रूप से प्रभावित किया है और संबंधों को आगे तभी बढ़ाया जा सकता है जब वो आपसी सम्मान, संवेदनशीलता, साझा हित जैसी परिपक्वता पर आधारित हों। जयशंकर ने कहा कि भारत और चीन के संबंध दो राहे पर हैं और इस समय चुने गए विकल्पों का न केवल दोनों देशों बल्कि पूरी दुनिया पर प्रभाव पड़ेगा। चीनी अध्ययन पर 13वें अखिल भारतीय सम्मेलन को डिजिटल माध्यम से संबोधित करते हुए जयशंकर ने कहा, वर्ष 2020 में हुई घटनाओं ने हमारे संबंधों पर वास्तव में अप्रत्याशित दबाव बढ़ा दिया है। पूर्वी लद्दाख गतिरोध के संबंध में उन्होंने कहा कि पूर्वी लद्दाख में पिछले वर्ष हुई घटनाओं ने दोनों देशों के संबंधों को गंभीर रूप से प्रभावित किया। जयशंकर ने कहा कि जो समझौते हुए हैं उनका पूर्णतः पालन किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि एलएसी का कड़ाई से पालन और सम्मान किया जाना चाहिए। The two nations, of course, have some similarities, especially of size and of history. But they are also a very interesting contrast in many ways, whether you think of it culturally, politically, or economically. Both are in the process of building a modern nation state from a civilizational society. And their parallel rise in the contemporary era, albeit at a differential pace and intensity, that is actually a relatively unique happening in human history. For all the differences and disagreements that we may have had on the boundary, the central fact was that border areas still remained fundamentally peaceful. The last loss of life before 2020 was, in fact, as far back as 1975. That is why the events in eastern Ladakh last year have so profoundly disturbed the relationship. Because they not only signaled a disregard for commitments about minimizing troop levels, but also showed a willingness to breach peace and tranquility. विदेश मंत्री ने स्पष्ट किया है कि यथास्थिति को बदलने का कोई भी एक तरफा प्रयास स्वीकार्य नहीं है। विदेश मंत्री ने कहा कि लद्दाख की घटनाओं ने न सिर्फ सैनिकों की संख्या को कम करने की प्रतिबद्धता का अनादर किया बल्कि शांति भंग करने की इच्छा भी प्रदर्शित की। जयशंकर ने कहा कि हमें चीन के रुख में बदलाव और सीमाई इलाकों में बढ़ी संख्या में सैनिकों की तैनाती पर अब भी कोई विश्वसनीय स्पष्टीकरण नहीं मिला है। चीन के साथ संबंधों पर उन्होंने कहा कि संबंधों को आगे तभी बढ़ाया जा सकता है जब वो आपसी सम्मान एवं संवेदनशीलता और आपसी हित जैसी परिपक्वता पर आधारित हो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।